अरे हम अरे 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 हम अरे अरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सबसे पहले अपने अपने वीडियो ऑन करें। आज हमारे साथ सूरत से कोमल जी शिपानी हमारे साथ जुड़ी है। आज का जो टॉपिक रखा गया है बहुत ही शानदार टॉपिक, प्राणायाम और बंद। इसी विषय पर हमारा मंगलवार का सेशन कई दिनों से चल रहा है, उसी विषय को कंटिन्यू करते हुए कोमल जी हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए कोमल जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। ओम अरहम कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कोमल जी शादी का सूरत निवासी और हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस में नियमित साधना करने वाली शादी का है, योग प्रशिक्षिका भी है और प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षिका भी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंच कोमल जी को समर्पित करता हूँ। कोमल जी, यू मे स्टार्ट नाउ। सागर, जय जिनेंद्र। ओम एमपी अरहम। फिटनेस क्लास के अंतर्गत जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम और वंदन। विशेष रूप से आनंदमलजी भाई साहब के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिनके मेहनत और परिश्रम से इस एमपी के फिटनेस क्लास एक पूरा परिवार बन चुका, जिसमें एक से बढ़कर एक ट्रेनर अपना ज्ञान और अनुभव शेयर करती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी आज इस मंच पर कुछ प्रस्तुत करने का मौका मिला है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी के अंतर्गत आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम। हम अपने प्राण को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी प्राण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ प्राणायाम का अभ्यास करवाऊंगी, जिसमें मुख्यतः 8 प्राणायाम है। इसके अलावा और भी कई प्राणायाम है, जब समय होगा तो आगे करवाएंगे। पहले मुख्यतः मैं प्राणायाम लेती हूँ। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भरेंगे, नाक से लंबा श्वास भरें और मुंह से छोड़ें, 3 बार करेंगे। सभी रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल, और एक सही आसन का चुनाव कर लें, जिस आसन में आप बिल्कुल आराम से लंबे समय बैठ सकें, जैसे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन। जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकें उस ध्यान आसन का चुनाव करेंगे, और रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी, और कोई भी एक मुद्रा बना ले, ध्यान मुद्रा या वायु ध्यान मुद्रा में ध्यान आसानी से लगता है, प्राणायाम अच्छे से होता है। इसलिए ध्यान मुद्रा दोनों हाथ घुटनों पर। सबसे पहले हम प्राणायाम के अभ्यास क्रम में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिसमें सबसे पहले लंबा श्वास भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ेंगे, सामान्य गति से करेंगे।
श्वास भरे नाक से लंबा गहरा श्वास भरे, पूरे फेफड़ों को पेट को फुलाए, धीरे धीरे श्वास छोड़े। 11 बार इसकी आवृत्ति को करेंगे। श्वास भरे श्वास छोड़े, श्वास भरे श्वास छोड़े। ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भरे, पूरी प्राण शक्ति को अपने अंदर भरे। श्वास भरे श्वास छोड़े, श्वास भरे श्वास छोड़े, श्वास भरे श्वास छोड़े, श्वास भरे श्वास छोड़े, श्वास भरे श्वास छोड़े। भस्ती का प्राणायाम से हम शक्ति का अर्जन करेंगे। तो ये हुआ सामान्य गति से, इसे कोई भी साधक कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे तो हम इसे हाथों के साथ करेंगे। 10-10 आवृत्ति करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करते हुए हाथों को नीचे लेके आना है। 10 बार करेंगे। श्वास भरे छोड़े, भरे भरे छोड़े, 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 भरे छोड़े। रिलैक्स। अभी 10 आवृत्ति करेंगे। हाथों को पूरा आगे की ओर खोलना है, मुट्ठी बंद करते हुए पूरा पीछे की ओर लाना है हाथों को पूरा प्रेस के साथ। श्वास भरें छोड़ें, 10 आवृत्ति। श्वास रिलैक्स। अभी साइड की तरफ हाथों को लेके जाएंगे, पूरा खोलेंगे और वापस यहाँ पर लाएंगे सीने के पास में। श्वास भरे रिलैक्स। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसके बाद जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। उसमें श्वास भरना है और छोड़ना है, श्वास भरना है छोड़ना है, मेन फेफड़ों को फुलाना है, पेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, छाती पूरी फूलनी चाहिए। 20 आवृत्ति करेंगे। गति को अपनी शक्ति के अनुसार रखना है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। हार्ट व हाई बीपी वाले ज्यादा जोर से नहीं करें, सामान्य गति से करें। रिलैक्स।
भस्त्रिका से हमने शक्तियों का अर्जन किया था। अब हम नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। वैसे तो ये क्रिया है, किसी भी से दूसरे नंबर पर लेते हैं कपालभाति को भी, तो भस्त्रिका के बाद कपालभाति, जिससे हम जो भी हमारे शरीर के अंदर विकार है, दोष है, उनको हम श्वासों के साथ बाहर निकालेंगे। फोर्स के साथ नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर खींचना। 3 राउंड करेंगे। सबसे पहला राउंड शुरू करें, 20 स्ट्रोक लगाएंगे और पेट को अंदर खींचेंगे सामान्य गति से 1 सेकेंड में 1 बार। इससे हमारे पेट के अंदर के जो भी सारे सिस्टम होते हैं सब बिल्कुल ठीक होते हैं, ऑर्गेन्स ठीक होते हैं, डीजनरेट सेल्स होते हैं वो रीजनरेट होते हैं, और जो भी हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम, फूड स्ट्रेस की प्रॉब्लम, लेडीज को ओवरी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, सब इससे ठीक होती है। कपालभाति प्राणायाम से शक्तियों का जागरण होता है। तो धीरे धीरे आप इसके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, 5-5 मिनट के 3 राउंड आप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा राउंड करेंगे, 20 स्ट्रोक लगाएंगे, श्वासों को पास फोर्स के साथ बाहर छोड़ें, पेट अंदर खींचें, पूरा ध्यान नाभि पर। मन ही मन ये संकल्प, ये भाव में रहे कि प्राणायाम से मैं बिल्कुल शुद्ध हो रहा हूँ, मेरे रोग बाहर निकल रहे हैं, मेरे शरीर में जो भी कमजोरी है वो सब बाहर निकल रही है, श्वासों के साथ अपने विकारों का विसर्जन करें। तीसरा राउंड करेंगे, इससे श्वासों को फोर्स के साथ बाहर छोड़ें, पूरे मनोभाव के साथ। रिलैक्स, अब हम करेंगे कपालभाति के साथ बाद में बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम भी बोलते हैं इसको, जिसमें 3 बंध लगते हैं। बाह्य प्राणायाम में पहले अपने को पूरा श्वास भरना है और पूरे श्वास को बाहर छोड़ के खाली कर देना है और 3 बंध लगाना है। नीचे से शुरू करना है, पहले मूल बंद, फिर उड़ियान बंद और फिर चालन बंद। आप सबको लगाने आते होंगे बंद। मूल बंद में अपने गुदा द्वार को सिकोड़ के ऊपर की ओर खींचना होता है और उड़ियान बंद में नाभि को पूरी कमर से अंदर तक पूरा खींचना होता है, नाभि को अंदर, पेट पूरा अंदर, और जालंधर बंद में ये ठोटी को पूरा कंठ को लगा देंगे तो ये जालंधर बंद हो जाए। त्रिबंध के साथ करेंगे बाह्य प्राणायाम, लंबा श्वास भरें, पूरे श्वास को बाहर छोड़ें, त्रिबंध एक साथ लगाएंगे, त्रिबंध से महाबंध भी कहते हैं। जितनी देर आप होल्ड करके रख सकें, 10-20 सेकेंड होल्ड करें, अगर शुरू में ज्यादा नहीं होता है तो आप मूल बंद को छोड़ और वापस लगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं।
का एक साथ अभ्यास करें, खींचें खींचें जितनी देर रोक सकें रोकें। आप हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं, पूरा श्वास भरें बाहर छोड़ें, त्रिबंध एक साथ, पेट जितना हो सके अंदर की ओर खींचे, नाभि को पेट से लगाने की कोशिश। सर आप नीचे से पानी को स्क्रीन पे लीजिए, वो अभय प्राणायाम और अग्निशार नौली क्रिया करके दिखाएगा। बाह्य प्राणायाम के लिए नीतेश स्क्रीन पे आएगा, बाह्य प्राणायाम करके दिखाएगा। टी शर्ट उठाकर से श्वास भरे छोड़े, बाह्य प्राणायाम श्वास रिलैक्स। इस तरह हमने बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया जो त्रिबंध के साथ में था। इस तरह हम अलग अलग बंध भी लगा सकते हैं, जैसे खाली मूल बंध ओनली, उड़ियान बंध ओनली, चलंधर बंध। अलका मैडम ये सीरीज चला ही रही है तो आपको अच्छे से पता होगा। बंध के अभ्यास से हमारी शक्तियों का उद्वारोहण होता है और हमारी आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है और शरीर की बीमारी कष्ट सब दूर होते हैं और शरीर शारीरिक शक्ति और बल बढ़ता है। इसके बाद करेंगे अग्निसार। इसमें पूरा श्वास बाहर भरना है और पूरा श्वास बाहर निकाल देना, और फिर उसके बाद पेट को अंदर बाहर करना। जो बाह्य प्राणायाम नहीं कर सके वो अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। इससे पेट के सारे ऑर्गन्स की अंदर से मसाज होती है। श्वास भरें, श्वास खाली करें पूरा, हाथों को ऐसे रखें हल्का सा आगे की ओर झुक जाएं और पेट को पूरा अंदर बाहर करेंगे। नितेश दिखाएगा टी शर्ट ऊपर करके। श्वास अभी एक क्रिया बताती हूँ जो शायद हम नहीं कर पाए, हमने बाबा रामदेव को करते हुए देखा होगा, नौली क्रिया। जब अग्निसार और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास पूरा अच्छी तरह से होने लगता है तो हम यह भी कर सकते हैं। तो नौली के लिए नीतेश आपको दिखाएगा कि हम कैसे नौली करते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचते हुए नीतेश नौली क्रिया करके दिखाएगा। श्वास भरें, श्वास छोड़े, फिर पूरा पेट अंदर, ओम अरहम। ओम अरहम। नितेश एक बार दोबारा, वंस मोर। यस, मैं अभी सबको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार भस्त्रिका करके दिखाओ। भस्त्रिका तो वेरी गुड।
आप लोगों को बता दूं, नितेश शिपानी कोमल जी शिपानी का लड़का बेटा है और इतनी छोटी उम्र में बहुत ही शानदार तरीके से नौली क्रिया अभी हमने देखा किस तरह से कर सकता है। तो अभ्यास, नियमित अभ्यास करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। ओम आरम, अभी कंटिन्यू। हाँ अभी आगे का हम करते हैं ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई प्राणायाम से हम विशुद्धि चक्र का शोधन करते हैं और सभी चक्रों की शुद्धि होती है। श्वासों को अंदर की ओर खींचे, गले को संकुचित करते हुए अंदर होल्ड करेंगे ज्यादातर बस लगाकर, जितनी देर आप होल्ड करके रख सकें अंदर, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। फिर राइट नोज बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालेंगे। ऊंचाई प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारी थायराइड ग्रंथि पूरी सेक्टिव होती है, स्वस्थ रहती है। गले संबंधित कोई भी रोग हो, विकार हो, खांसी हो, सब में बहुत फायदा है। तो इसको फिर करेंगे, फिर से 3 बार करेंगे। अभी राइट नोज बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालें, पूरी मनोभाव के साथ करें। फिर से एक बार अभी थायराइड राइट नोज बंद करके लेफ्ट से श्वासों को बाहर निकाल। इसी क्रम में हम आगे अनुलोम विलोम करेंगे, इससे सभी नाड़ियों का शोधन होता है। पतंजलि के अनुसार हमारे शरीर में 72,72,10,210 नाड़ियां। अनुलोम विलोम प्राणायाम से सभी नाड़ियों की शुद्धि होती है, चित्त का शोधन होता है और हम आत्म चेतना की ओर आगे बढ़ते। पूरी भाव के साथ राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे। ऑल्टरनेटिव राइट से छोड़ें, फिर राइट से भरें, छोड़ें। लगातार करें इन्हें एक्सेल अल्टरनेट ब्रीथिंग। बहुत ही अच्छा है हार्ट के लिए, हाई बीपी के लिए, मस्तिष्क के लिए, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, अनुलोम विलोम बहुत ही फायदेमंद है। का निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे। 5-5 मिनट का अभ्यास करते हुए आप इसे 10-15-20 मिनट तक भी कर सकते हैं। असाध्य रोगों में कपालभाति और अनुलोम विलोम सबसे मेन दो प्राणायाम है, इनका अभ्यास ज्यादा करना चाहिए तो हमें बहुत फायदा होता है। इसको हम अनुलोम विलोम का बहुत तरह से वेरिएशन भी कर सकते हैं।
जैसे इसमें हल्का सा हम कुंभक लगा के भी कर सकते हैं, कुंभक लगा के करते हैं तो वो नाड़ी शोधन हो जाता है। और इसमें सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम भी होता है, जैसे ये ईड़ा और ये पिंगला। ये चंद्र स्वर है लेफ्ट और राइट स्वर है सूर्य स्वर। तो हम खाली जैसे चंद्र भेदी में लेफ्ट से श्वास भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं। तो इससे पित्त संबंधी जिनको प्रॉब्लम हो, शरीर में गर्मी हो तो ठंडक मिलती है, ये हमारा ठंडा स्वर होता है। तो चंद्र भेदी प्राणायाम में लेफ्ट से श्वास भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं। हर बार लेफ्ट से श्वास भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं। ये हुआ चंद्र भेदी प्राणायाम, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो उनके लिए अच्छा रहता है, शरीर को ठंडक मिलती है। और इसी के अपोजिट सूर्य भेदी प्राणायाम, जिसमें राइट से श्वास भरना होता है और लेफ्ट से छोड़ना होता है। हर बार राइट से ही श्वास भरना होता है और लेफ्ट से श्वास छोड़ना होता है। यानी पीड़ा पीड़ा ईड़ा और ये पिंगला से पिंगला स्वर हमारा सूर्य स्वर जागृत होता है। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा ठंडक रहती हो, सर्दी जुकाम प्रॉब्लम रहती हो, तो उन्हें ये सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम का हम एक वेरिएशन करते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन में हम श्वासों को अंदर होल्ड करेंगे। इसमें 1-4-2 का रेशियो रहता है। जैसे हम 4 सेकंड में श्वास भरेंगे तो 16 तक अंदर श्वास कुंभक रोक के रखेंगे और फिर वापस 8 में श्वास निकालेंगे। मैं काउंट करूंगी, आप मेरी काउंट के साथ करेंगे। 4, 16 और 8 का रेशियो से हम करते हैं। श्वास भरे हैं 1, 2, 3, 4। श्वास होल्ड, कुंभक लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। श्वास बाहर पूरा रेचक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह हम अपने समय के अनुसार अपना समय बढ़ा सकते हैं। जितना आपको समय हो आप थोड़ा थोड़ा भी 5-5 मिनट भी कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी टाइम हो तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम है। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। तो भ्रामरी में ये अंगूठे से कान यहाँ से बंद कर लेंगे और आंखों पे ये 3 अंगुलियां और एक माथे पे पूरा श्वास भरेंगे और भौंरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकालेंगे। पेट से होते हुए सीने में, फिर गले में महसूस करें, फिर पूरा वाइब्रेशन मस्तिष्क में महसूस करें। श्वास भरें 5 बार करेंगे। श्वास भरें, बाहर छोड़ें। प्राणायाम करती है, जैसे किसी को थोड़ी पैरों में हाथों में प्रॉब्लम हो तो बीच में अपने
आसन को बदल सकते हैं और बीच में थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम ले सकते हैं। पैरों को सामने की ओर खोलें और थोड़ा पैर को हिलाएं, ऊपर नीचे करें, पंजों को पूरा आगे की ओर खींचे और छोड़े, खींचे छोड़े, खींचे छोड़े। हाथों को थोड़ा सामने की ओर खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें। थोड़ा हाथों को बाहर की ओर फैलाएं, दोनों हाथों को एक बार इधर, एक बार इधर, ये हम बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम ले सकते हैं। थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा बटरफ्लाई। रिलैक्स, अब हम करेंगे ओंकार नाम। 7 बार ओंकार करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेता, भरी भरी भरी, ओम का नाम करते हुए बाहर की ओर छोड़ें। ओम फिर से सांस भरे, बाहर छोड़ते हुए ओंकार। ओम से ओम। पहले नाभि पे वाइब्रेशन को फील करें, फिर कंठ में, पूरा, फिर मस्तिष्क में। ओम ओम आंखें बंद रखें और एक बार और ये बंदी रखें। दोनों हाथों को वापस लें, धीरे धीरे घर्षण करते हुए जो भी ऊर्जा आपने दी है अभी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी अपनी आंखों पे रखें, कटोरी नुमा बनाते हुए धीरे धीरे अंगुलियों की चिल्लर से आंखों को खोलें और पूरी ऊर्जा पूरे शरीर को समर्पित करें। जिन किसी को, जैसे किसी किसी को श्वास मतलब लंबा भर तो सकते हैं लेकिन छोड़ने में मतलब ज्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, जल्दी श्वास छोड़ते हैं, तो भ्रामरी और ओम के अभ्यास से आपके श्वासों की जो बाहर छोड़ने की स्पीड है वो भी आप लंबा श्वास बाहर छोड़ सकते हैं। तो ये प्राणायाम मैंने बताया आपको। इसके अलावा दो और प्राणायाम है, शीतली और शीतकारी, जो गर्मियों के प्राणायाम जिन्हें हम गर्मी के मौसम में कर सकते हैं जिससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है।
तो शीतली प्राणायाम करते हैं जिसमें जीभ को ऐसे चोंच नुमा बना लेते हैं और फिर श्वासों को अंदर मुंह से खींचते हैं और फिर अंदर होल्ड करते हैं, फिर श्वासों को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। जितने समय आप होल्ड कर सकें, 10-20 सेकेंड होल्ड करें, जीभ नुमा आगे, जीभ को मोड़ के आगे पाइप जैसा बनाएं, मुंह से श्वास खींचे। अगर होल्ड करें वो बंद करके कितनी देर होल्ड कर सकते हैं? धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें, 5 बार करेंगे। इसे बंद करें, श्वास होल्ड करें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। जिनको प्यास ज्यादा लगती हो, भूख प्यास से भी कंट्रोल होता है इसमें। और पित्त वालों को, जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर से होल्ड, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकाल लेंगे, एक बार और करेंगे। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताया आपको सब प्राणायाम। फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यास के बाद आप इसके टाइम को बढ़ाएं। इसके बाद करेंगे शीतकारी। इसमें दोनों जबाड़ों को दांतों को ऐसे दबाना है और होंठ खुले हुए रहेंगे और दांतों के बीच में से हवा को अंदर की ओर खींचना है। इतना लंबा खींच सके खींचे और फिर मुंह बंद करके श्वासों को अंदर होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ना है। इसकी भी 5 आवृत्ति करेंगे। ये भी शरीर में ठंडक पैदा करता है। ये दोनों गर्मियों के प्राणायाम है। जिनको खांसी सर्दी ये सब प्रॉब्लम हो, दमा, उनको ये भी करना चाहिए। और जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम होती है अपने, फिर से करें। दांतों को दबाएं, दांतों के बीच में हवा को अंदर भरें मुंह से। धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर से श्वासों को दांतों के बीच भरें, जीभ को हल्का सा ऊपर टच करें। धीरे करेंगे। श्वासों को बाहर निकालें। तो इसी तरह ये हुए शीतली और शीतकारी प्राणायाम। एक प्राणायाम और बताते हैं, जैसे कानों के लिए बहुत अच्छा रहता है, काकी प्राणायाम बोलते हैं इसको। जिसे श्वास भरना है, नाक से लंबा श्वास भरना है और नाक को बंद कर देना और फिर मुंह को फुलाना है। हवा का प्रेशर पूरा कानों की तरफ आएगा। इससे हमारे कान के जो भी ब्लॉकेज होते हैं, सुनने की क्षमता बढ़ती है।
कान के ब्लॉकेज खुलते हैं, कानों के लिए बहुत ही अच्छा, नाक से श्वास भरे, फिर दोनों नोस्ट्रिल को बंद करें और मुंह को फुलाएं, जैसे बैलून में हवा भरते हैं, मुंह को फुलाएं, पूरा प्रेशर हवा का दबाव कानों की तरफ पड़ेगा, होल्ड करें जितनी देर होल्ड कर सके होल्ड करें, फिर नाक से हाथ हटा के धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, 5 बार करेंगे, नाक बंद करें, मुंह फुलाएं, हवा के प्रेशर को महसूस करें, एक बार में सोचें हमारे कानों की श्रवण शक्ति बढ़ रही है, कान स्वस्थ हो रहे हैं, फिर से कान भरें, दोनों नोस्टे बंद करें, श्वास अंदर रोके और फुलाएं, कानों के पास हवा के दबाव को महसूस करेंगे, लास्ट टाइम श्वास भरें, नाक को बंद करें, दोनों नोस्ट्रिल हवा का प्रेशर दें कानों की तरफ, रिलैक्स, अभी थोड़ा टाइम है तो हम बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे, 5-5 का रेशियो करेंगे, समता श्वास परीक्षा के लिए सभी रेडी हो जाएं, गर्दन कमर सीधी, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड का करेंगे, इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, श्वास भरेंगे 5 सेकेंड में, 1 2 3 4 5, श्वास रोके 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ी 1 2 3 4 5, श्वास रोके 1 2 3 4 5, अभी हम बढ़ाएंगे इसका रेशियो तो 8-8 सेकेंड का करेंगे, तो आप सभी अपने अपनी क्षमता के अनुसार करें, जिसको हार्ट और हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, जो श्वासों को अंदर ज्यादा नहीं रोक सके, वो ना रोके, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, इन्हेल 1 2 3 4 5 6 7 8, होल्ड करेंगे, श्वास रोके 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास बाहर छोड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास बाहर रोके 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से श्वास भरें 1 2 3 4 5 6 7 8,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, श्वास अंदर रोके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, श्वास बाहर छोड़ी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, रिलैक्स। बहुत ही अच्छा प्रयोग है समता श्वास परीक्षा, आप सभी करते होंगे। तो अभी हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे। सभी आंखें बंद करके बैठ जाएं, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, गर्दन कमर सीधी और पूरे भाव के साथ परमात्मा के साथ जुड़ें। जो भी हमने अभी किया है उस पे गौर करें, इससे हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, और अपने मन ही मन संकल्प करेंगे कि मैं अपने स्वास्थ्य, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नियमित प्राणायाम का प्रयोग करूंगी, अभ्यास करूंगी। आंखें बंद और पूरे मनोभाव के साथ मन में ये संकल्प लें, मैं नियमित रूप से योगा व प्राणायाम का अभ्यास करूंगी और हमेशा स्वस्थ रहूंगी। पूरी ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को अपने सहस्रार चक्र से, ज्ञान केंद्र से, अपने शरीर के अंदर आता हुआ महसूस करें। एक ऊर्जा की दिव्य रोशनी आपके मस्तिष्क के ऊपर से आपके पूरे शरीर में प्रवेश करें। आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, शरीर में स्फूर्ति व शक्ति बढ़ रही है, आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मनी मनी संकल्प करें, मैं परमात्मा की दी हुई एक अनमोल और दिव्य उपहार हूँ, प्रभु के प्रति कृतज्ञ हूँ जो हमें मनुष्य जन्म दिया है, इतना अच्छा कुल दिया है, इतने अच्छे लोग दोस्त सभी हमें मिले हैं, सबके प्रति कृतज्ञ हूँ और अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ हूँ, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला। मनी मन इन्हीं भावों को अपने अंदर में समेटें और शरीर में हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें, अपनी श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाएं। कुछ पल सिर्फ आपकी श्वासें और आप पूरी तरह अपनी श्वासों पे ध्यान दें। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, अपनी दिव्यता का अनुभव करें। अपनी आत्मा में स्थित हो जाएं, अपनी आत्मा को फील करें, एक दिव्य ज्योति आज्ञा चक्र पर एक दिव्य ज्योति को महसूस करें। एक लोक की तरह, दीपक के लोक की तरह आज्ञा चक्र पर दिव्य ज्योति को महसूस करें। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। मनी मन संकल्प करें, चारों तरफ निर्मल आभा मंडल को महसूस करें। एक सुरक्षा कवच बन गया है आपके चारों तरफ, ध्यान से हमारी शक्ति बढ़ती है, आत्मा निर्मल होती है, मन पवित्र होता है। इन्हीं शुभ भावों के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम।
आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। आशा है आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा और नियमित इसका संकल्प करें कि मैं नियमित योगाभ्यास प्राणायाम करूंगी। ओम आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। प्राणायाम और कुंभक के बारे में बहुत सुंदर जानकारी के साथ प्रयोग और छोटा सा ध्यान भी अभी हमने किया। तो आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप एंड्राइज कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हो। तो एंड्राइज कीजिए प्लीज, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कांता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कांता जी, यस जी जिनेन्द्र, हम लोग ये कपालभाति सनसेट के बाद में नहीं कर सकते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन पेट खाली होना चाहिए, खाना खाने के 4-5 घंटे के बाद या फिर सुबह में करो तो ज्यादा अच्छा। एक दिन में कितना मिनट मिनिमम? जैसे इसको क्या है, अपने रोग के अनुसार इसकी मतलब टाइम को बढ़ा देना चाहिए। आपको जैसे किस चीज के लिए आप कर रहे हो, ऐसे रेगुलर में आप 5-7-8-10 मिनट करते हैं तो बहुत है, लेकिन असाध्य बीमारी में बाबा रामदेव बताते हैं कि हम आधा आधा घंटा भी करवाते हैं। तो अपनी रोग के अनुसार, अपनी प्रॉब्लम के अनुसार हम इसके टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है कि ज्यादा कर लिया तो नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी शक्ति के अनुसार आप कर सकते हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कितना कर पाते हो। जैसे आप 5-5 मिनट के 3 राउंड कर सकते हो अगर रेगुलर में आपके पास टाइम है। मैं तो आधा आधा घंटा करती हूँ, आधा घंटा सुबह। संगीता नमस्ते जी, कोमल जी। कोमल जी, हमें शीतरी में जब नाक बंद करते हैं तो हमें छोड़ना मुंह से या नाक से? हाँ, इटली में शीतरी इटली में जब जीभ से ऐसे खोल करके श्वास लेते हैं। दांत को बीच करे जब। जी हाँ, फिर नाक को ऐसे मतलब हटा देना है, जब फिर अपन रोकते हैं श्वास को तब नाक बंद करना है, फिर ये हाथ हटा के नाक से ही श्वास छोड़ना है बाहर धीरे धीरे, वरना मुंह से है जो दांत छुआ मतलब दांत तो को पीसते हैं वो। वो वाला शीतकारी, उसमें श्वास भरते हैं फिर होल्ड करते हैं, फिर उसमें भी नाक से ही छोड़ना है श्वास को, मुंह से खाली भरना होता है इसमें श्वास, शीतली और शीतकाली में, जिससे हमें ठंडक मिलती है गर्मियों के प्राणों चंदा जी चोपड़ा, सभी से जय जिनेन्द्र। कोमल जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, जो हम रोज नहीं कर पाते हैं प्राणायाम, वो भी आज सब करने में आ गए। बहुत सुंदर तरीके से करवाया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर तरीके से करवाया। थैंक धन्यवाद, थैंक यू कोमल जी, बहुत अच्छा करवाया। यू। बस आप रेगुलर करते रहिए, और रोज करने से मैं तो एक ही बात कहूंगी कि प्राणायाम ऐसी चीज है कि आप इसको रोज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बिल्कुल जो बिल्कुल, जो मालूम है मालूम है, पर इतनी रोज कर नहीं पाते हैं, टाइम मैंने इधर देते अभी मेरी हैं। अभी मेरी एक भी दवाई नहीं है, मैंने प्राणायाम मेरे योग से अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर लिया है। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम भी नहीं लेते, एक भी टेबलेट नहीं लेते। आई एम कमिंग 72 इयर्स। थैंक बहुत बढ़िया, चंदू जी यू वेरी दुगड़, मच। चंदू जी जय बोल। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, कोमल ने आज अच्छा कराया, सब प्राणायाम करा दिए एक ही साथ में, सारे उज्जैन प्राणायाम हो, शीतली प्राणायाम, चंद्र प्राणायाम हो, जो भी हो, सारे प्राणायाम करा बिल्कुल दिए। बता हम दिया रोज नहीं मतलब। करते लेकिन ठीक है, अच्छा है, सब आते हैं, बहुत अच्छा करा है। बोला एक पहली बार ट्राई किया, अच्छा करा है उसने, बहुत अच्छा करा है। एकदम। अशोक जी कुछ कहना है आपको? यस, आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र। वो साहब जी घोष जी पधारे थे, थोड़ा उसमें लग गया हाँ, था। बढ़िया, वो भी जरूरी बहुत है। ही अच्छा रहा आज कोमल जी का प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा रहा। हर एक एक प्राणायाम को अच्छे ढंग से बता रहे थे, और जो स्टार्टिंग में जो शुरुआत की अपन प्राणायाम करे तो उसके साथ में जो अपन एक्शन लेते ना, तो अपने शरीर के ज्यादा पावर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, और हर चीज को व्यवस्थित ढंग से समझाते हैं। बहुत ही अच्छा कराया। ओम आराम। ओम अरहम। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप एंड्राइज कर सकते हो, नहीं तो हम एंड्राइज का ऑप्शन है आपके पास।
सिंघवी सर कुछ कहना है आपको? यस, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। सी सिंघवी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय सर जय जिनेंद्र साहब, बहुत ही जिनेंद्र अच्छा करवाए थे सर, और मेरा जो समाधान था वो शिथिलीकरण का था, वो समाधान मिल गया सर। ओम तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय मैं शक्तिमय हूँ, हूँ, मैं मेरे भीतर शांतिमय अनंत हूँ, मेरे चैतन्य का, भीतर अनंत अनंत आनंद चेतन का, का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा रहा है। लहरा इसका है। इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही करना ही मेरे मेरे जीवन जीवन का का परम परम लक्ष्य। लक्ष्य है। मंगलमय हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, हूँ, शांतिमय हो, शांतिमय इन सब इसी भावनाओं के भावनाओं के साथ साथ में ओम ओम शांति 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 जोश में हम सब पूज्य पूर्ति गुरुदेव के आभारी, प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि जोश में हम सब हम सब पूज्य पूर्ति गुरुदेव के आभारी। प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी ओम सभी हैं। करे योग, रहे निरोग हर रोज, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज। गुड, वेरी रोज, गुड, वेरी गुड कोमल। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज। हर रोज। हम